name is Varsha Thakar. I'm from Mumbai. I did my MBA from Annamalai University and I'm working as a chief accountant with DS Group. मैं मेरे को बचपन से ही नंबरिंग वगैरह पसंद ही था तो फिर मेरे को एट द एज ऑफ 18 मेरे को जॉब ऑफर आया वो एज अकाउंटेंट आया और मैंने जॉब करना जब भी चालू किया इट वॉज माई नेसेसिटी वो पीरियड में तो मैंने स्टार्ट किया. जब मेरा कैंसर डिटेक्ट हुआ उसके पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो एक्सीडेंट हुआ तो मेरे को फिजियो करना पड़ता था तो फिजियो के टाइम मेरे को एकदम लास्ट डे ऑफ फिजियो था तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को वहाँ पे कुछ लम्स है तो फिर मैं इसके लिए डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला नहीं आपको ब्रेस्ट कैंसर है. तो इट वॉज़ वेरी हार्ड फॉर मी क्योंकि मैं तभी गई थी एकदम नॉर्मल रिपोर्ट लेके कि हाँ खाली जाना है चेकअप है रूटीन. मेरा ऑपरेट हुआ फिर मेरे 6 केमो हुए मगर मैं बहुत रोती थी डिप्रेशन में रहती थी. मेरे को ऑलवेज लगता था कि वाई विथ मी ओनली. तो मेरे हस्बैंड ने एक दिन डिसाइड किया कि नहीं इसको स्टडीज़ बहुत पसंद है तो इसकी स्टडीज़ स्टार्ट करते हैं. तभी स्टडीज़ के लिए एडमिशन लेके दिया नमलाई से क्योंकि उनको पता था कि मैं स्टडी तो मेरा पैसेंस है और मेरे को पसंद है तो मैं पढ़ूंगी. एंड फिर मैंने MBA स्टार्ट किया वो भी आफ्टर 27 ईयर्स. फर्स्ट डे में जब भी क्लासेस में गई तो सबको लगा मैं टीचर हूँ तो सब लोग ठीक से बैठ गए. देन दे रियलाइज कि नहीं मैं स्टूडेंट हूँ. मेरी शादी जो यहाँ हुई है वो बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली है. सब लोग बोल रहे थे कि भगवान ने ऐसे ही इतना दर्द दिया हुआ है फिजिकली तो अभी मेंटल दर्द जिसकी ज़रूरत नहीं है अभी उसका लड़का ही इतना बड़ा हो रहा है कि वो MBA करे. वाई यू पढ़ाई करके एज में क्यों अपना सर कर रहे हो जबकि तुमको रूटीन तुम्हारा घर संभालना ही है. और सेकेंड ईयर ऑफ MBA में आई वॉज द टॉपर ऑफ माई ग्रुप. मैंने मेरी जर्नी से ये सीखा है कि नेवर गिव अप नथिंग इज़ इम्पॉसिबल और ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड जस्ट वाइप द स्टीरियोटाइप.